हमें पैराबोलिक इक्वेशन दे रखी है, हमें इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस फाइंड आउट करने हैं। तो हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, 4 डिवाइड में चल जाएगा 15 के, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है, क्योंकि ये पैराबोला एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ से देखो आप, 4 डिनोमीटर एक्स एक्स कैंसल, क्योंकि एक्स यहाँ पर था, एक्स यहाँ पर आ गया, तो ए इज इक्वल टू 15/16। ये हुए कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट बाई सॉरी 15/16 0, क्योंकि यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम 4 टाइम्स ये होता है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 15/16 है, 4 4 जा 14, 15/4 यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम आ गई। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होता है, और हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, -15/16, तो 16x+15 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।